हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मॉन्टी, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम सीखेंगे कि जितनी जल्दी हो सके मैसी बन हम कैसे बनाएं। मैसी बन बनाना अगर आप सीख जाते हैं तो बहुत इजी होता है और बहुत अट्रैक्टिव लुक्स होते हैं मैसी बन के, तो ये तो आपको ज़रूर आना चाहिए। कि तो सबसे पहले जो बैक पार्ट होता है उस पर हम पूरे कर्ल्स कर लेंगे। ओके, कर्ल्स करने के बाद में हम मीडियम साइज़ का डोनट, ओके मीडियम साइज़ का डोनट लेंगे। डोनट को लगाने से पहले एक बार पार्टीशन चेक कर लेना कि बराबर है ना, क्योंकि फ्रंट उसी के अकॉर्डिंग होगा। सो एक बार क्लीनिनेस से थोड़ा पार्टीशन चेक करिए, ठीक है, अच्छे से कॉम कीजिए ताकि कोई भी हेयर बाहर ना निकले रबड़ के। फिर एक रबड़ लीजिए, उसको उससे एक पोनी बनाइए, नॉर्मल पोनी बनाइए, ठीक है, अच्छे से टाइट। दो रबड़ के साथ एक बना सकते हैं, नहीं तो आप लूप भी बना सकते हैं, मैंने रबड़ यूज़ किया है। उसके बाद में आप उसके अंदर बन लगा दीजिए जो हमने लिया था मीडियम साइज़ का। फिर उसे बड़ी यू पिन, ओके, जिसे जुड़ा पिन भी कहते हैं, उनसे आप लॉक कर दीजिए, बांध दीजिए उसको। और क्लाइंट से इस बीच पूछते रहिए कि मैम आपको पिन्स वगैरह चुभ तो नहीं रही है, मैम आप अनकंफर्टेबल तो नहीं हो, क्योंकि अगर जब तक हम क्लाइंट से कन्वर्सेशन नहीं करोगे, क्लाइंट को कोई भी चीज़ पसंद नहीं आएगी। अगर आप हेयरडू अच्छा कर रहे हो तो प्लीज़ थोड़ा सा कंसल्ट पे ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। बन लगाने के बाद में जो कर्ल्स किए थे आपने उनको थोड़ा अपन घुमाइए थोड़ा सा और पुल खींचिए, ठीक है। पुल करने के बाद में यू पिन से उसे जो हमने डोनट लिया था मीडियम साइज़ का उस पर आपको इस तरह लगाना है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। घुमाओ उसको और फिर अप्लाई कर दो। उसी सेक्शन जो आप एक सेक्शन लेंगे वो ही दो तीन बार आपको घुमा के सही जगह पे लगाना है। ऐसे करते करते जितने भी सेक्शंस है बाहर उन सभी को घुमा के थोड़ा पुल करके कीजिएगा, थोड़ी फिनिशिंग ज़्यादा आएगी। उन्हें आप जगह पर एडजस्ट कर दीजिए आपके अकॉर्डिंग। अगर आपको लग रहा है कि हमको हैवी बन चाहिए तो थोड़ा और पुल कर लीजिए। मुझे नॉर्मल बन चाहिए था क्योंकि मुझे अभी फ्लावर्स भी लगाने हैं इसके अंदर, तो वो और हैवी हो जाएगा, इसलिए मैंने बहुत कम पुल किया है यहाँ पे। और हम जो फ्रंट है वो बाद में करेंगे आराम से, क्योंकि पहले मैं बन बना लेता हूँ, बाद में इसके हम टिक्का सेट करेंगे। जो एंड लुक आने वाला है आप लोग देख के, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा एंडिंग लुक देख के, क्योंकि मैसी बर्न सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं अगर क्लाइंट कैरी करता है तो हमेशा क्लाइंट अगर कुछ भी लाइक लहंगा पहन रहा है या फिर सूट पहन रहा है या फिर साड़ी पहन रहा है, आप किसी भी चीज़ पे मैसी बर्न दे सकते हो क्लाइंट को कि आप मैम आप मैसी बर्न करवा लो, आप पे अच्छा लगेगा, क्योंकि मैसी बर्न हर एक क्लोथ को सूट कर जाता है, हर एक ड्रेस को सूट कर जाता है। और भी बहुत सारी वीडियोज़ है ऐसी, जैसे कि बालों को जलने से कैसे बचाए, फायर कट जब आप करते हैं उसको महंगा आपको क्यों पड़ता है, सही टेक्निक फायर कट की, न्यू हेयर स्टाइल्स, न्यू हेयर कट्स, ट्रेंडिंग हेयर स्टाइल्स, सब कुछ आपको इस पेज में मिलेगा। तो सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि जो भी ट्रेंडिंग है वो हम सब करेंगे, सब करते आए हैं। इस मैसी बन का आप लुक देखना, आप खुद बोलोगे कि बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन है, बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन है। आज बस मैसी बन का है ट्यूटोरियल, फ्रंट हम अगली वीडियो में करेंगे। तो ये रहा हमारा रिजल्ट, जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर हेयर स्टाइल हुआ है। फ्लावर्स लगाना भी अगली वीडियो में बताएंगे। तो मैंने इनको फ्रंट साइड पार्टीशन करके दिया है क्योंकि इनको थोड़ा स्लीक चाहिए था फ्रंट, जैसा कि आप देख सकते हैं। बर्न आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कितना क्लासी लग रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।